मुठभेड़ हादसे की आंखों देखी। अचानक तेज धमाके के साथ हिल गई जमीन, गिरने लगी मशीन, चीख पुकार से उड़ गए होश। बीच सड़क उलझे एएसआई और होमगार्ड, लोगों ने बनाया वीडियो। बगहा में वाहन जांच के दौरान आपस में भिड़े दोनों, एसपी ने दिया जांच का आदेश। हरी में युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक पर वर्तमान मुखिया से 5 लाख रंगदारी मांगने का था आरोप, जांच में जुटी पुलिस। शाहनाबाद में दहेज के लिए महिला की हत्या, 7 साल पहले कराई थी बेटी की शादी, परिजनों ने सास ससुर पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर में विवाह भवन से बरामद हुई थी शराब, मेयर के विवाह भवन को पुलिस ने सरकारी संपत्ति घोषित करने के लिए डीएम को भेजी अनुशंसा। सलमान खान को सांप ने काटा, पनवेल के फार्म हाउस पर क्रिसमस मनाने गए थे एक्टर। बिहार में भीषण हादसा, मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 6 मजदूरों के चिथड़े उड़े, 6 गंभीर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नए साल के जश्न की तैयारी, 1307 पीस शराब जब्त, पुलिस को देख कार रोक भागे तस्कर, तलाशी में फर्श और सीट के नीचे मिला तहखाना। 1000 सेंटरों पर दरोगा बहाली परीक्षा, पटना के 57 केंद्रों पर चल रहा एग्जाम, 2 पालियों में परीक्षा, 85,000 अभ्यर्थी हो रहे शामिल। मां जी की बुद्धि ठीक करने के लिए बगला मुखी जाप, विजय राघव मंदिर में 51 पंडित करेंगे जाप, पंडित बोले जो कुकुर होगा वही भोज खाने जाएगा। मोतिहारी में युवक की गोली मारकर हत्या, मुखिया से मांगी थी 5 लाख की रंगदारी, उसे ही अपराधियों ने गोली मारी। ओमनी कॉल से निपटने को मुजफ्फरपुर में 5 अस्पतालों का चयन, लगाए जाएंगे 600 से अधिक बेड, बच्चों के प्रति स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। 28 से 30 दिसंबर तक राजगीर में युवा उत्सव, 15 से 35 वर्ष तक के कलाकार भाग लेंगे, 15 तरह की विधाओं का होगा आयोजन। बिहार में भी स्कूलों को मिलेगा स्वच्छता पुरस्कार, पहली बार राज्य के मानक पर चुने जाएंगे प्राइमरी और हाई स्कूल, बिहार दिवस पर मिलेगा अवार्ड। पंचायत भवन ब्लास्ट करने वाला नक्सली गिरफ्तार, औरंगाबाद में आईईडी विस्फोट में नामजद नक्सली को पुलिस ने दबोचा, घर वालों से आया था मिलने।